हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं क्रोशिया का ये पैटर्न लेकर आई हूँ। देखो कितना सुंदर पैटर्न है। इस पैटर्न से आप बैग बना लो और अच्छे अच्छे मतलब कोई भी प्रोजेक्ट में डालो, स्वेटर बना लो, बैग बना लो, बच्चों के स्वेटर बना लो, बहुत अच्छा दिखाई देता है। ये कैप वगैरह बना लो, बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें एक भी जाली दिखाई नहीं देती है और गफा हुआ ये पैटर्न है। तो देखो ये कैसे बनाते हैं हम। ये 10 के मल्टीपल स्टिचेस डाले जाते हैं इसमें। तो हम यहाँ पर 10 10 प्लस 10 चैन बनाएंगे। पहले एक ऐसे नॉट बनाएंगे, फिर हम ये 10 प्लस 10 एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह 17 18 19 20। मैंने 20 ये ले लिए। इसके बाद हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये सभी चैन में से हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इसमें। देखो फ्रेंड्स, पूरी मैंने ये रो सिंगल क्रोशिया से बना ली है। अब देखो सेकंड रो में भी एक चैन बनाएंगे और ये सिंगल क्रोशिया ही, इसमें भी पूरी रो सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। ये देखो पूरी में सिंगल क्रोशिया से, दो रो हमको नीचे सिंगल क्रोशिया की बनानी होती है तो ये दो रो बना लेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये हमने दो रो हमने सिंगल क्रोशिया की बना ली हैं। अब एक चैन बनाई, उसके बाद ये देखो सिंगल क्रोशिया से हम तीन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और ये तीन, तीन हमने सिंगल क्रोशिया बनाए। उसके बाद हम इस होल में से एक बार ये लूप बनाया, इसको इतना बनाया हाफ, जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं उसका हाफ बनाना है। देखो ये डबल क्रोशिया जैसे बनाते हैं उसका हाफ, ये पांच बार हमने डबल क्रोशिया का हाफ ऐसे बनाया, इसमें से सारे में से ऐसे निकाला। अब ये सेकंड वाला होल दिख रहा है, इसमें से इसको ऐसे निकाल के और ये ऐसे, इस तरह हमने ये एक एक ये बिंदु सा बना लिया। अब उसके बाद फिर सेकंड में से देखो फ्रेंड्स, जैसे हाफ सिंगल डबल क्रोशिया बनाते हैं वैसे हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पांच बनाने हैं। एक बना लिया मैंने, दो तीन चार और ये पांच, पांच बनाने के बाद हमको इन सब में से ऐसे निकालना है। फिर अगला ये होल दिख रहा है, ये होल, इसमें से होल में से ऐसे निकाल के इसमें से ऐसे निकालना है, तो ये हमारे दो वो बन जाएंगे। इसी तरह बनाने हैं। फिर आगे साथ हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात बनाए। उसके बाद फिर फ्रेंड्स हम जैसे डबल क्रोशिया का हाफ बनाएंगे इस तरह, ऐसे एक दो
तीन चार पाँच, पाँच बनाया, फिर इसमें से ये निकाला, फिर अगले होल में से ऐसे बनाने के बाद इसको भी इसमें से निकालना है, ये ऐसे बनाना है, फिर अगला ये ऐसे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच बनाने के बाद इसको ऐसे निकाला, फिर अगले होल में से देखो इसमें से ऐसे बना लेंगे, तो देखो ये हमारे ये दो दो बिंदु जैसे दो बबल्स बन जाते हैं, दो बबल्स बन जाते हैं इसमें। फिर आगे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, तीन हमने सिंगल क्रोशिया बनाई। अब फ्रेंड्स एक चैन बनाएंगे, फिर देखो ये हमारे ऐसे बबल्स दो दो बन जाएंगे, इसके ऊपर हमको तीन बबल्स बनाने होंगे। तो ये लाइन हम ऐसे सिंगल क्रोशिया से पूरी करेंगे, पूरे में पूरी लाइन पूरी रो सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। देखो फ्रेंड्स अब मैंने ये पहले बबल्स बनाए थे, उसके बाद सिंगल क्रोशिया की एक रो बना ली है। अब हम आगे एक चैन बनाएंगे, उसके बाद ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, दो हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर यहाँ बबल्स बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था, इसी तरह डबल क्रोशिया का हाफ बनाएंगे पांच बार, एक दो तीन चार पाँच, पांच बार ये बनाने के बाद इसको हम ऐसे निकालेंगे, आगे इसमें से इसको इस तरह निकाल देंगे। ये देखो हमारा यहाँ पर ये बना। और इसके बाद हम अगले में से बनाएंगे बबल्स बनाना है हमको, तो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे पांच, एक दो तीन चार पाँच, ये पांच बनाए, उसके बाद इसको सब में से निकाला, आगे के पॉइंट में से हम इस तरह इसको निकाल देंगे। इस तरह हमारे दो हो गए। अब यहाँ पर एक और बनाएंगे हम इस तरह, दो तीन चार पाँच, पाँच बनाने के बाद हम इसको इसमें से निकालेंगे और सेकंड वाले में से ऐसे लेकर नीचे सिंगल क्रोशिया का होल होता है ना जो, उसमें से लेने के बाद हम ऐसे निकाल देंगे। तो ये हमारे तीन तीन बन गए बबल्स, तीन बन गए हैं। अब आगे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। अब हम
फिर यहाँ पर बबल्स बनाएंगे। देखो एक दो तीन चार पाँच, पाँच बनाने के बाद इस होल में से निकालेंगे। इसमें से ऐसे निकालने के बाद हम इसको ऐसे निकाल देंगे। तो ये देखो हमारा ये ऐसे बबल्स बहुत अच्छा बनता है फ्रेंड्स इस तरह से। इस तरह हमारे ये दो बने, आगे फिर एक बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच, पाँच बार बनाने के बाद इस तरह से इस तरह फिर ये हमारा लास्ट में सिंगल क्रोशिया दो हमने बना दिए। तो देखो हमारी ये पूरी रो ये देखो कितना अच्छा बना है। पहले हम दो बनाते हैं उसके ऊपर तीन बनाते हैं, तो हमारे ये बबल्स पूरा फ्लावर की तरह हमारे बन जाते हैं। आगे हमको इसके ऊपर एक रो सिंगल क्रोशिया की बनानी होती है, तो इसके ऊपर एक रो हम सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे। देखो फ्रेंड्स मैंने ये सिंगल क्रोशिया की भी लाइन निकाल ली है। अब इसके बाद हम यहाँ पर फिर बनाएंगे, पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन, तीन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बीच में हमको यहाँ पर बनाना है बबल्स बनाना है, इसलिए हम यहाँ पर इस होल में यहाँ बबल्स बनाएंगे इस तरह। एक दो तीन चार पाँच, पाँच हमने डबल क्रोशिया का आधा बना के और इसको हम इसी में इसमें से ही निकाल देंगे, तो हमारा ये बबल्स बन जाएगा इस तरह। आगे हम इसमें से बनाएंगे, ये देखो इसी तरह। बहुत ही इजी पैटर्न है और आप बनाएं बहुत ही अच्छा सुंदर दिखाई देने वाला पैटर्न है। इसको हम बैग वगैरह में यूज़ कर लो, बेबी ब्लैंकेट वगैरह में यूज़ कर लो और कैप वगैरह बनाओ तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको। बहुत ही स्वेटर वगैरह में भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखो ये हमारा, ये देखो इस तरह हमारे ये पूरा फ्लावर बन गया है। ये फाइव देखो इसमें सेवन बबल्स बन गए हैं। इस तरह सेवन बबल्स बन जाते हैं तो ये एक फ्लावर का आकार ले लेते हैं, तो हमारा ये एक फ्लावर सा बन गया है। ये देखो फिर आगे हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो
तीन चार पाँच छः और ये सात, सात सिंगल क्रोशिया बनाए हमने। फिर आगे हम यहाँ बबल्स बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको हम इस तरह नीचे वाले होल में से लेने के बाद इसको इसी में से निकाल देंगे। तो अब आप सीख ही गए होंगे ये बबल्स कैसे बनाते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा ये बबल्स ये देखो बन गए हैं। तो ये हमारे फ्लावर जैसे बन गए हैं। अब इसके ऊपर फ्रेंड्स, जैसे हमने नीचे डबल क्रोशिया की दो लाइनें निकाली थी, वैसे ही हम इसमें भी हम तीन लाइनें डबल क्रोशिया की निकाल लेंगे। उसके बाद हम यहाँ बीच में सेंटर में बबल्स बनाएंगे। तो ये देखो, जैसे मैंने इसमें दिखाया है कि ये देखो, हम तीन सिंगल क्रोशिया की लाइनें ये बना लेंगे। उसके बाद इन दोनों के बीच में बबल्स पहले दो बनाएंगे, फिर तीन, फिर दो। जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे ही बनाते जाएंगे तो हमारा पैटर्न बनके तैयार हो जाएगा और बहुत ही अच्छा दिखने वाला पैटर्न है फ्रेंड्स। एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय।